पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहा घमासान अब भी जारी है। हाईकमान के दखल के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अरमिंदर राज वारिंग को कमान सौंपी गई है। लेकिन अब भी नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ जैसे नेता बागी तेवर अपनाए हुए हैं। दरअसल शुक्रवार सुबह अरमिंदर राज की पंजाब में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ताजपोशी थी, लेकिन इस मौके पर जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू गायब हुए। ताजपोशी में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी समेत कई सांसद और विधायक हैं, लेकिन दोनों सीनियर नेता मौजूद नहीं हैं। पार्टी के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की तलवार का सामना कर रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ मौके पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन वो ताजपोशी के कार्यक्रम से दूर रहे। वो सुबह पहुंचे और एक कमरे में जाकर बैठ गए। अरमिंदर राज के साथ मंच नहीं शेयर करने को उनके बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अरमिंदर राज की ताजपोशी के दौरान पूर्व सीएम चरण सिंह चिन्नी मौजूद थे। अरमिंदर राज ने पद संभालने के बाद पहला ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस का करने के लिए मेरा 3D मंथ होगा, जिसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डायलॉग पर काम करूंगा ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।